गौतम गुलाटी ने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस फ्रॉम मूवी राधे, जहां पर वो कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गए थे कि मारते मारते उन्होंने एक्चुअली सलमान खान पर उठा दिया था हाथ। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अगर आपने मूवी राधे देखी हो तो उसमें रणदीप हुडा के राइट हैंड काइंड ऑफ बने हुए हैं गौतम गुलाटी, यानी कि ही इज इन द ऑपोजिट गैंग देन सलमान खान, और सलमान खान बने हैं हाई लेवल कॉप जो रणदीप हुडा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हु इज अ ड्रग पेडलर, और साथ में गौतम गुलाटी को भी पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में इस मूवी के अंदर गौतम गुलाटी को एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान सलमान खान पर हाथ उठाना था, यानी कि एक्ट करते करते हाथ उठाना था, जिसके बाद वो कैरेक्टर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा व्हाट इज ही डूइंग, उन्हें होश ही नहीं रहा व्हाट इज ही डूइंग, और उन्होंने एक्चुअली सलमान खान को हिट कर दिया था। वो तो उन्होंने इतना ज्यादा तेज हिट नहीं कर रहा था, सलमान खान ने खुद को डॉच कर लिया था, बट सलमान वॉज रियली टेकन अबैक, रियली शॉक्ड एट वॉट गौतम गुलाटी वॉज डूइंग। जी हाँ, गौतम जो है काफी ज्यादा इसके बाद खुद ही में एम्बेरस हो गए थे, व्हाट ही डिड ही ऑलमोस्ट हिट सलमान, उन्होंने शॉक होकर खुद को वापस तो खींच लिया था, लेकिन फिर भी ये पूरा जो सीक्वेंस हो गया था इसको डिफाइन करते हुए नजर आ रहे थे गौतम गुलाटी, और बता रहे थे किस तरीके से ये एक मोमेंट ऐसा हो गया था जहाँ पे वो खुद ही से जो थे थोड़े से अंडर इम्प्रेस हो गए थे, थोड़े से नाराज हो गए थे, दैट ही कुड हैव डन समथिंग रियली बैड वाइल ही वॉज इन टू द कैरेक्टर। खैर, ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, स्विच ऑन स्विच ऑफ अच्छे से वर्क नहीं करता है एक्टर्स के साथ, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे देता है, बट सलमान इज अ कूल एक्टर एंड आई नो ही मस्ट हैव सपोर्टेड गौतम गुलाटी टू कम ओवर दिस एंड टू यू नो गेट अलोंग द कैरेक्टर अगेन। और कोई बात नहीं, गौतम गुलाटी द फिल्म लुक्स नाइस, योर कैरेक्टर लुक नाइस, एंड ऑल इज नाइस व्हेन इट कम्स आउट नाइस। क्या कहना चाहेंगे आप गौतम गुलाटी के इस बड़े एक बड़े खुलासे के बारे में जो उन्होंने किया है अपनी मूवी को लेकर, जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Thank you.